ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है कहां पे है इन इंटरवल्स के बीच में, ठीक है। मेथड वही रहेगा अपना सेम करने वाला, ठीक है। देखो जरा, डेरिवेटिव किया क्या आ गया, फोर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस फोर कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स। ये वो वाले क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल पे बहुत तंग करते हैं बच्चों को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, वहां पे उसको पोस्टिंग एंट्री अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो जो पहले मेथड बताया था अभी डाउट्स में, वही चीज चलेगी इसके अंदर, सेम ए टू जेड, ठीक है ना। क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे कि इनपुट क्वाड्रेंट, इनपुट एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो फोर साइन कोस कॉमन, राइट। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर माइनस, एक काम करो नेगेटिव साइन कॉमन लेके बाहर ले लो, तो माइनस फोर साइन कॉस हो जाएगा और साथ में इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस टू एक्स, राइट। इधर से टू साइन कॉस के साथ लिया, तो माइनस टू इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, और ये बन जाएगा फिर से टू साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज माइनस साइन, तो ये आया मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहां पे हमें मालूम है कि अगर साइन हुआ पॉजिटिव ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव, राइट। अगर ये पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना मतलब इसको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा, यानी कि फोर एक्स should be less than pi greater than zero. And for increasing, इसको third and fourth quadrant में होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये angle third and fourth quadrant में हुआ, तो sine of third and fourth quadrant क्या होता है? Negative. Negative into negative क्या हो जाएगा? Positive. तो derivative positive तो increasing हो जाएगा, बात करते हैं। तो increasing के लिए 4x को क्या होना पड़ेगा? Less than 2pi greater than pi. ये समझे? Right? अच्छा, अब इसको 4 से divide कर दो, क्योंकि अपने को तो x चाहिए। तो x क्या आ गया, x belongs to 0 से pi by 4, and यहां पे x belongs to आ गया pi by 4 से pi by 2, तो 0 से 2 pi के, 0 से pi के, pi by 2 के बीच में, पहले 45 डिग्री के बीच में, राइट, 0 से 45 डिग्री के बीच में रहेगा डिक्रीजिंग, बाद वाले के अंदर रहेगा इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। इधर पक्का देख लो, कोई डाउट इसमें? यही है, उसमें भी ये कर सकते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। साइन ही ढूंढना था ना, देखो यहां तक तो करना ही है, सिलेबस हो जाए कॉम्पिटेटिव, इसके बाद का अप्रोच, इसका साइन डिटरमिन करने वाला जो चीज है वो दोनों का डिफरेंट हो सकता है, बाकी यहां तक तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अगला देखो, तो एफ डैश किसका, एक्चुअली जीरो पे जीरो हो रहा है ना, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, तीनों पे जीरो है। कोस के लिए हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे वो वन माइनस वन वगैरह कुछ हो जाता है, राइट। उसके अंदर भी जहां जहां पे वो जीरो जा रहा है, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, उनको नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए डायरेक्टली मैंने स्टार्टिंग में ही इनको इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लेके गया, क्यों, क्योंकि साइन जीरो हो रहा है, जीरो पे हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, ठीक है। अब इधर एफ डैश एक्स क्या आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस साइन 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 कॉमन आके ये आ गया, राइट। अब रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन जाएगा 3√2, और ये आ जाएगा 1/√2 कॉस 3x प्लस 1/√2 साइन 3x, तो दैट इज 3√2। अब देखो इसको साइन लिखा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस पाई बाय 4, ये आ जाएगा। अब इसका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, अपने को जीरो से पाई के बीच में चाहिए ना, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली क्या चीज, दैट इज 3x प्लस पाई बाय 4 इज लेस देन, देखो साइन है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो लेस देन पाई ग्रेटर देन जीरो, इसके बीच में आ जाएगा इंक्रीजिंग, राइट। फिर डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा पाई से लेके 2 पाई तक, देखते हैं इसके बीच में क्या क्या कवर अप हो रहा है।
ठीक है, जीरो से पाई कवर अप हो रहा ही नहीं हो रहा, तो माइनस पाई बाय फोर किया तो इधर आ गया माइनस पाई बाय फोर लेस देन थ्री एक्स लेस देन पाई माइनस पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर, थ्री से डिवाइड कर दो तो माइनस पाई बाय ट्वेल्व लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय फोर, तो एक तो ये आ गया जहां पे वो इंक्रीज कर रहा राइट right? अब इसका माइनस पाई बाय फोर करके ये आ गया थ्री पाई बाय फोर लेस देन थ्री एक्स लेस देन 2 pi by 4, 2 pi minus pi by 4, that is 7 pi by 4. Divided by 3 किया तो pi by 4 less than x less than 7 pi by 12. अब एक काम करो, नीचे सब 12 लाने के लिए इसको भी 3 रहने दो और नीचे 12 भी रहने दो, मतलब 3 को कटिंग मत करो. यहां से ना एक छोटा सा हिंट मिलेगा तुम्हें, दैट इज देखो माइनस पाई से 4 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 4 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा. हाँ ना, तो यहां से एक छोटा सा हिंट तुम्हें जरूर मिल जाएगा, दैट इज माइनस पाई बाय 12 थ्री पाई बाय 12 सेवन पाई बाय 12 एंड. अब देखो इसके बीच में क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग, इसके बीच में फिर अगला वाला क्या आ जाएगा 11 पाई बाय 12 वहां पे सॉरी इंक्रीजिंग हो जाएगा, एंड फिर अगला 15 पाई बाय 12 वहां पे डिक्रीजिंग हो जाएगा. और जीरो से पाई कहां पे आ रहा है, देखो जीरो यहां पे है, पाई यहां पे आएगा, तो इसके बीच में देखो क्या आंसर आएगा, फिर जीरो से थ्री पाई बाय ट्वेल्व के बीच में इंक्रीजिंग, थ्री पाई बाय ट्वेल्व से लेके सेवन पाई बाय ट्वेल्व के बीच में डिक्रीजिंग, सेवन पाई बाय ट्वेल्व से लेके इलेवन पाई बाय ट्वेल्व के बीच में इंक्रीजिंग, एंड इलेवन पाई बाय ट्वेल्व से लेके पाई तक फिर से क्या आएगा, डिक्रीजिंग. अब ये वाली चीज निकालने के लिए देखो ये पता तो चल गया हमें, लेकिन बोर्ड लेवल पे तो निकाल के दिखाना पड़ेगा. तो जिस तरीके से ये फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ लिया है, इसके बाद फिर से आगे जाके क्या आ जाएगा अपना 3 पाई बाय सॉरी 3 एक्स प्लस पाई बाय 4 लेस देन क्या लेके जाओगे, अगला अगला पाई का इंटरवल ले लो 2 पाई से लेके 3 पाई राइट. अब देखो इस वाले से मेरे को ये वाला आंसर मिलेगा, लेकिन अब देखो अगला वाला भी चाहिए, अगला वाला चाहिए यानी कि इसका अगला वाला जो इंटरवल है वो भी लेके जाना पड़ेगा 3 पाई लेस देन 3 एक्स प्लस पाई बाय 4 लेस देन 4 पाई. यहां पे अगेन क्या आ जाएगा, इस वाले पे इंक्रीजिंग, एंड यहां पे आ जाएगा डिक्रीजिंग. ये समझ आ रहा है ना, पक्का ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस ठीक है. अच्छा ये कर लोगे या आगे करूं, कर लोगे ना, ठीक है अब इधर आ जाओ. तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स सेम तरीका है, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना. तो हां जी तो आपने जैसे बिहेवियर डिटेक्ट किया कि ऐसे होगा, एक बार लास्ट बता दो ग्राफ वाला, ये वाला. हाँ जी कैसे डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग के लिए तो ये आ गया, डिक्रीजिंग के लिए ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर. तो हमने माइनस पाई बाय 12 से लेके 3 पाई बाय 12 के बीच में इंक्रीजिंग लगा दिया, 3 पाई बाय 12 से लेके 7 पाई बाय 12 के बीच में डिक्रीजिंग लगा दिया, ठीक है. अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये ऊपर जो जा रहा है वो 4 पाई ऐड हो रहा है, माइनस पाई के अंदर 4 पाई मतलब 4 ऐड करोगे तो 3 पाई हो जाएगा, फिर 4 ऐड करोगे 7 पाई हो जाएगा, तो 4 4 के ऊपर चेंज आ रहा है. तो अगला वाला क्या होगा, 3 से आगे जाएंगे 7, 7 से आगे 4 जाएंगे तो 11, 11 से 4 आगे जाएंगे तो 15, ये यही इंटरवल आएंगे. और ये वाले जो दो इंटरवल है ये तो हमने निकाल लिया 7 पाई बाय 12 तक, लेकिन अगले वाले जो दो है वो इधर से आएंगे. ओके सर ठीक, पक्का? यस सर ठीक. अच्छा अब इधर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, अगेन रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और नीचे रूट टू वन बाय रूट टू कोस एक्स माइनस वन बाय रूट टू साइन एक्स इंटू रूट टू. तो अब इसको कोस में कन्वर्ट करो, देखो इसको मैं साइन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा राइट, क्योंकि साइन में अगर करूंगा तो यह आ जाएगा साइन पाई बाय फोर कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस पाई बाय फोर, तो ये बन जाएगा मेरा साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स, उसका साइन डिटरमिन करने में और प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि एक्स के साथ माइनस आ गया राइट, या तो माइनस साइन बाहर निकाल लो अदरवाइज कॉस के अंदर रखो, सबसे बेस्ट चीज रहेगी. तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर और साथ में क्या आ जाएगा रूट. अब ये वाली जो चीज है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुई तो यहां पे क्या आ जाएगा इंक्रीज क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हुई तो पाई बाय टू लेस देन थ्री पाई बाय टू
एक्स प्लस फाइव बाय फोर, यहां पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज राइट। लेट सी अपना जीरो से टू पाई, चलो जीरो से टू पाई खैर कवर अप नहीं होगा, उसके आगे लेके जाना पड़ेगा। फिर इंक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा, थ्री पाई बाय टू से लेके, अब अगला देखो थ्री पाई बाय टू के बाद जो दो क्वार्टर आएंगे, एक फोर्थ और उसके जस्ट बाद अगला फर्स्ट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा राइट। तो दोनों को कवर अप करने के लिए हमने क्या किया, थ्री पाई बाय टू से लेके, अब मैं इधर टू पाई नहीं लिखूंगा राइट, क्या आ जाएगा, टू पाई प्लस फाइव बाय टू, दैट इज फाइव पाई बाय टू, इधर आ जाएगा फाइव पाई बाय टू लेस देन एक्स प्लस फाइव बाय फोर, यहां पे फिर इंक्रीजिंग आ जाएगा। नाउ लेट सी, अब इसके बीच में माइनस फाइव बाय फोर करो जरा क्या आ गया, इसका क्या आ जाएगा, एक्स इंक्रीजिंग का, इधर आ जाएगा एक्स लेस देन फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय फोर, फाइव बाय फोर ग्रेटर देन जीरो माइनस फाइव बाय फोर माइनस फाइव बाय फोर, एक ही आ गया। अब इसका माइनस फाइव बाय फोर किया तो फाइव बाय फोर लेस देन एक्स लेस देन थ्री पाई बाय टू माइनस फाइव बाय फोर, कितना आ जाएगा, फाइव पाई बाय फोर, यहां पे आ गया इंक्रीजिंग। फिर डिक्रीजिंग के लिए इधर से फाइव बाय फोर किया सब्ट्रैक्ट, तो इधर आ जाएगा फाइव पाई बाय फोर लेस देन एक्स लेस देन क्या आ जाएगा, यहां पे डिक्रीजिंग आएगा एंड नाइन पाई बाय फोर यहां पे इंक्रीजिंग आ जाएगा, तो अपना टू पाई तक कवर अप हो गया ठीक है ना। तो हम यहां पे बोल सकते हैं जीरो से लेके राइट और फाइव पाई बाय फोर से लेके, अब ये टू पाई से ऊपर चला गया तो इधर लिख सकते हो टू पाई ठीक है। अब क्योंकि कॉस है जीरो पे पॉजिटिव होगा तो यहां पे इक्वालिटी आ जाएगी। देखो अब यहां पे कहां कहां पे इक्वालिटी आएगी, फाइव बाय टू पे तो नहीं आएगी क्योंकि जीरो हो जाएगा, थ्री पाई बाय टू नहीं आएगी जीरो हो जाएगा, जीरो पे यहां पे जीरो पे आ गई ठीक है, ऐसे यहां पर भी आ जाएगी क्योंकि टू पाई पे भी क्या होता वो इस तरीके से आएगा। क्लियर हुआ, ये तीनों नोट करो जल्दी। ठीक है, स्कूल लेवल पे तो यही है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं लिखो जरा। मोनोटोनिक फर्स्ट पॉइंट, मोनोटोनिक फंक्शन मींस आइदर द फंक्शन इज एंटायरली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक फंक्शन मींस जल्दी बाबा रंग बदलने के बेहतर है लिखने पे ध्यान दिया था। मोनोटोनिक फंक्शन मींस आइदर द फंक्शन इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग, ठीक है ना, सिंगल बिहेवियर मोनोटोनिक बिहेवियर, उस चीज को मोनोटोनिक फंक्शन बोला जाता है ठीक है। If a function is increasing as well as decreasing in an interval, if second point, if a function is increasing as well as decreasing in an interval, then it is neither increasing nor decreasing. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूं, सिंपल है, समझ लिया एक बार तो पता चल जाएगा क्या चीज है। देखो एक इंटरवल के अंदर अगर वो एंटायरली इंक्रीजिंग है तो उसको मैं इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकता हूँ, मोनोटोनिक फंक्शन भी बोल सकता हूँ राइट। अगर एक इंटरवल के अंदर वो एंटायरली डिक्रीजिंग है तो उसको मैं डिक्रीजिंग भी बोल सकता हूँ, मोनोटोनिक भी बोल सकता हूँ। मोनोटोनिक दोनों को रिप्रेजेंट करता है, कंबाइंड नेम है
राइट। अब एक इंटरवल के अंदर अगर वो बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है राइट, यही लिखा ना हमने सेकंड पॉइंट, इफ इट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो उस इंटरवल में उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे डिक्रीजिंग बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन को हम इंक्रीजिंग बोल ही नहीं सकते क्योंकि डिक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीजिंग बोल नहीं सकते क्योंकि इंक्रीज भी कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर उसको मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे उस इंटरवल के अंदर, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज के लिए कोई नाम नहीं दिया गया, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज है सेकंड पॉइंट हमारा, ठीक है। अच्छा आगे लिखो थर्ड पॉइंट, इसको स्टार मार्क करना थर्ड पॉइंट को, कोई भी फंक्शन हो जैसे ये वाला फंक्शन है, इसका ये वाले इंटरवल के अंदर ये मोनोटोनिक है, इंटरवल डिपेंड करता है ना किस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, कहां पे एनालाइज कर रहे हैं राइट। थर्ड पॉइंट, इसको स्टार मार्क करना ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और इसका अगला पॉइंट, ठीक है। इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट इज जीरो, इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट इज जीरो, then that point is called stationary point, then that point is called stationary point, then that point is called stationary point, ye samjhe na, stationary point kyun, kyunki derivative zero hai to uske andar us particular point ke around change nahi hoga, तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आउटपुट को स्टेशनरी हम बोल सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम भी उसी हिसाब से दिया गया है स्टेशनरी पॉइंट, ये समझे पक्का। अगला फोर्थ, ये भी स्टार मार्क करना, ये यूज होगा आगे, इफ द डेरिवेटिव इज आइदर जीरो और अनडिफाइंड, इफ द डेरिवेटिव इज आइदर जीरो और अनडिफाइंड एट अ पॉइंट, undefined at a point, then that point is called critical point, then that point is called critical point, matlab left hand derivative is not equal to right hand derivative, differentiable nahi hai wahan pe, derivative exist nahi karta right, wo cheez bol raha hai, to ya to zero ya to exist nahi karta, to is tarike se तो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट दोनों के कंसीडर होंगे, ये वाला पॉइंट भी कंसीडर होगा इसमें क्योंकि जीरो है, स्लोप जीरो डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव जीरो एंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड, ये वाले पॉइंट्स। अब बेसिकली अगर ये क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, बेसिकली अगर मैक्सिमा या मिनिमा आया, सबसे ज्यादा हाइट आई या नहीं आई, मतलब सबसे कम आई, तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी, लेकिन सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं आएगी, लेकिन आएगी तो क्रिटिकल पॉइंट पे आएगी राइट। इससे हम क्रिटिकल पॉइंट को पहले डिफाइन कर रहे हैं, या तो वहां पे स्लोप मतलब जो अपना डेरिवेटिव है अनडिफाइंड होगा या तो जीरो होगा, क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन इसलिए कर रहे हैं अगले वाले पार्ट के लिए हमारा, जो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट। तो स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव जीरो, क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव जीरो या फिर अनडिफाइंड, क्लियर हुआ यही था ना। इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज आइदर जीरो और अनडिफाइंड, आइदर जीरो और अनडिफाइंड, एरो मार के लिख ले क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जीरो वाले को स्टेशनरी एंड क्रिटिकल ऑब्वियसली दोनों बोलेंगे, ठीक है ना। अगला थर्ड पॉइंट लिखो, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक देन इट्स रेंज कैन बी डिटरमाइंड
then its range can be determined by evaluating its value, function's value. Its value बोल लो या function's value बोल लो, by evaluating function's value at endpoints of the domain. At endpoints of the domain. ठीक है, कैसे? देखो, अगर function increasing है a to b के बीच में, a से वैल्यू शुरू होगी, b तक जाएगी, हाँ है ना? तो जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, f of a से लेके f of b तक, राइट? और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है a से b के बीच में, तो अब रेंज की वैल्यू क्या आएगी, f of a एंड f of b लिखेंगे, लेकिन कम से बड़ा ही. तो इधर भी रेंज क्या आ रही है, f of b से लेके f of a, राइट? तो f of b से लेके f of a ये रेंज आएगा, एंड इस केस में f of a से लेके f of b ये रेंज आएगा, अगर इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है. ये समझ में आया? वैल्यू चाहे कम हो, मतलब कम हो रही है, जरूरी नहीं पहले वाले पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही कॉमा दूसरे वाले पॉइंट पे वैल्यू, नहीं. इंटरवल को लिखने का तरीका होता है मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, लिखेंगे भाई मिनिमम पहले, राइट? तो मिनिमम ये आ रही है, तो पहले f of b ही लिखेंगे, चाहे वो बाद वाले पॉइंट पे आ रही है. ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर है ये? Yes, sir. राइट, ये बना लो जल्दी. चले, ठीक है, ओके. कितने पॉइंट्स हो गए? फाइव ना, सिक्स पॉइंट लिखो. ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा पॉइंट, ठीक है? पहले एग्जांपल देख लो. चलो, इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, प्रूव दैट एक्स वन माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स टू. ठीक है, अगर एक्स वन एक्स टू से बड़ा है तो हमें प्रूफ करना है कि x1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x2. ये समझे, राइट? अब देखो, ये दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये x1 x2 के सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं. मतलब अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f(x), ठीक है, अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f(x) दैट इज x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो f(x1) हो जाएगा मेरा ये, हाँ या ना? एंड ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की, हाँ है ना? ये समझ में आया? तो बेसिकली इस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट इनपुट्स. दो डिफरेंट इनपुट का एक सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब दोनों में कोई चेंज नहीं, बस एक अलग इनपुट पे है, एक अलग इनपुट पे है. ये समझ में आया? तो मेरे को इनडायरेक्टली प्रूफ क्या करना है
कि एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, ये मेरे को प्रूव करना है। हाँ यार, तो मेरे को प्रूव करना है कि अगर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है तो एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू है, मेरे को ये प्रूव करना है। हाँ याना, तो इस चीज का मतलब क्या होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है कि बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट, छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इनडायरेक्टली मेरे को क्या प्रूव करना है कि भैया जो अपना एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग। दैट्स इट, इंटरप्रिटेशन देख लो क्या किया, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रिटेशन किया। तो इनडायरेक्टली मेरे को ये बस ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये मेरे को प्रूव करना है। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज ध्यान से देखो। देखो दोबारा, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू गिवन है, अपने को प्रूव करना बच्चे एक्स वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स टू। अब मैंने ये देखा ठीक है कि यहाँ पे जहां पे एक्स वन आ रहा है वहीं पे यहाँ पे एक्स टू आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है बट एक्स वन एक्स टू का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, इनका जनरलाइज फंक्शन बना लिया, दैट इज एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसी के अंदर x1 पुट करोगे ये आ जाएगा, इसी के अंदर x2 पुट करोगे ये आ जाएगा, यानी कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, f of x1 is greater than f of x2 where f of x is this, मेरे को ये प्रूफ करना है। हाँ या ना? Yes sir, पता लग गया। तो इनपुट बड़ा आउटपुट बड़ा, इनपुट छोटा आउटपुट छोटा, क्योंकि इनइक्वालिटी सेम। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है कि बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, और ये चीज तो हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। तो मेरे को इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है कि जो अपना एफ ऑफ एक्स है, जो हमने अज्यूम किया है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। गुनिका क्लियर हुआ अभी? यस ठीक है। तो अब इसका, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है तो डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, वन माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, वन कटा तो दैट इज एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो, राइट, हेंस इंक्रीजिंग, हेंस दिस रिलेशन इज ऑब्वियसली ट्रू। क्लियर हुआ? राइट, अब सिक्स पॉइंट है क्या, लिखो सिक्स पॉइंट लिखो। इफ एन इनइक्वालिटी कंटेन्स सिमेट्रिक expression of two variables, if an inequality contains symmetric expression of two variables, then maybe these two expressions can be obtained from a single function at two different inputs samjhe राइट, अगर एक सिमेट्रिक रिलेशन यूज हो रहा है दो डिफरेंट एक्स पे, राइट, तो मे बी एक सिंगल फंक्शन दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल के उनका कंपैरिजन आपस में किया जा रहा है, दैट्स इट, वो ये क्वेश्चन था। एग्जांपल नोट कर लो इसको, ये इसी पॉइंट का एग्जांपल है। हाँ ये तो एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली ये तो एग्जाम्पल दिया है ना, जनरलाइज पॉइंट तो वही है जो पहले लिखा है।
चलें। पहले ये समझ में आ रहा है, ये जो 6 पॉइंट लिखवाए हैं राइट, ये कॉम्पिटेटिव लेवल के, ये समझ में आ रहा है राइट। ये क्वेश्चन स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, ये समझ रहे हो ना राइट। अब कॉम्पिटेटिव लेवल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इक्वल टू जीरो डिस्क्रीट पॉइंट पे तो चलेगा, सिंगल पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, बाकी हर जगह पॉजिटिव है और एक सिंगल पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, स्टिल उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ यहाँ याद है ना ये चीज। अब ये चीज क्या है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे जीरो हो रही है, सिर्फ जीरो पे, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलूंगा मैं, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाई मैंने। अब ठीक है चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब अगली हेडिंग दो, मैक्सिमा मिनिमम। ये थर्ड टॉपिक है इसके अंडर एओडी का, मैक्सिमा मिनिमम। चलो अब पहले समझ लो बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा का। अब अगेन इसकी जो डेफिनेशन आएगी मैक्सिमा मिनिमा की, उसके अंदर डेरिवेटिव का जिक्र नहीं आएगा। डेरिवेटिव इसके बाद कंडीशन निकाली जाएगी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कैसे इंक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, बट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए जरूरी नहीं फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो, ये चीज समझ लो। ठीक है, तो अब देखो अगर फंक्शन ऐसा है एंड अगर फंक्शन ऐसा, तो ये पॉइंट ठीक है ए एंड ये पॉइंट ए, ठीक है इनकी अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, इसका एक स्मॉल नेबरहुड लिया ए माइनस एच ए प्लस एच, ए माइनस एच ए प्लस एच। अब इस नेबरहुड के अंदर अंदर हम ये देखेंगे कि अगर तो भैया ए पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, ए पे मैक्सिमा, और अपने नेबरहुड के अंदर अंदर ए पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है अपने स्मॉल नेबरहुड के अंदर अंदर, अगर उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू तो मैक्सिमा, सबसे कम वैल्यू तो मिनिमा। अब यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, एफ ऑफ ए ठीक है इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, ये दोनों तरफ सेम इनक्वालिटी रहेगी ग्रेटर देन, एंड यहां पे एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच। इस केस में एट एक्स इक्वल टू ए देयर एग्जिस्ट लोकल, लोकल वर्ड यूज किया जाएगा, मैं बताता हूं क्यों, इसका अगला ग्राफ बताएगा क्यों, लोकल मिनिमा एंड इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमम। अब लोकल वर्ड क्यों यूज किया गया है, ठीक है इसका रीजन समझना। और जैसे ये देखो मान लो ये ग्राफ है ए टू बी, ठीक है अब इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, हाँ या ना, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आ रहा है, फिर इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आ रहा है, बट ए टू बी के बीच में सबसे ज्यादा हाइट कहां पे है, बी पे, सबसे कम हाइट कहां पे है, ए पे, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, ए पे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, बी पे,
तो भैया जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आ रहा है, जरूरी नहीं वहीं पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू है, इसलिए उसको लोकल वर्ड यूज किया जा रहा है। मतलब लोकल का मतलब अपने स्मॉल नेबरहुड के अंदर ही वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। ओवरऑल है या नहीं है वो नहीं पता, वो तो ओवरऑल इंटरवल के अंदर एनालिसिस करके फिर ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये समझ में आया पक्का? इसलिए ये लोकल वर्ड यूज किया जा रहा है। क्लियर हुआ? श्योर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ, ये बना लो ये सारा का सारा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सेकंड पॉइंट, सिमिलरली एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, सिमिलरली एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ, अब ये नोट कर लो, चले राइट। थर्ड पॉइंट लिखो, ये कर लिया सबने नोट, यहां तक देख लो क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन यहां तक सब क्लियर है? यस। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा need not be the point, need not be the point where overall maximum value or minimum value exists. Need not be the point where overall maximum or minimum value exists. ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे देखो, मान लो ये included है और ये included नहीं है, तो इसके अंदर local minima वाले कौन से points आएंगे? ये मान लो B, C, D, E, F. तो लोकल मिनिमा वाले कौन से पॉइंट्स हैं? डी है, एफ है।
अच्छा व्हाट अबाउट ए, लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है या नहीं है? अच्छा एक चीज बताओ, मान लो फंक्शन इतना ही है, ये इंक्लूडेड है, तो जिस साइड से फंक्शन है नहीं उस साइड वाली डेफिनेशन आएगी नहीं, तो ये आएगा नहीं। अब जो भी उसका नेबरहुड है वहां पे तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा है ना, तो यस ये पॉइंट क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा का। एंड पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा कैसे आएगा पता चला? अब ऐसे इधर मान लो ये है, अब जिस साइड से फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसको छोड़ दो, अब बाकी पॉइंट पे उसके बाकी जो भी नेबरहुड डिफाइंड है, जो डिफाइंड नेबरहुड है वहां पे तो उस पे सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, तो वो क्या क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हाँ या ना, सेम चीज इधर आएगी। अब इसके इस साइड से फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, मतलब हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता वो भी, क्योंकि हम ए के बाद का इंटरवल देख रहे हैं, तो इधर का तो हम फंक्शन कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब इधर के लिए यहां पे सबसे कम है तो ऑब्वियसली ए हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमारे लिए इधर ए पॉइंट भी आएगा, तो लोकल मिनिमा कहां कहां पे आ रहा है, ए पे, डी पे, एफ पे। अच्छा लोकल मैक्सिमा सी एंड ई, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो डिफाइंड ही नहीं है। देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होने के लिए उस पॉइंट पे वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाके उसको नेबरहुड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उस पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं है तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे भैया, कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये क्लियर हुआ? पक्का देख लो। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा ग्लोबल या एब्सोल्यूट जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमा, सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे आ रही है? हाँ भैया ई से ऊपर वाली वैल्यूज तो एग्जिस्ट करती हैं। ई से ज्यादा वाली वैल्यूज तो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा व्हाट अबाउट ग्लोबल मिनिमा, वो तो पता है ए पे आएगा। अब ये अच्छा इसका रेंज अगर बताना हो तो क्या होगा, ए टू मतलब एफ ऑफ ए से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, एफ ऑफ बी तक, लेकिन एफ ऑफ बी पे क्या आएगा, ओपन। तो यानी कि जो इंक्लूडेड वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी से जस्ट पीछे वाली वैल्यू होगी, और एक पॉइंट के जस्ट पीछे वाली वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, उसका तो लिमिटिंग केस लेते हैं, वो तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो वाला मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बात करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हम। ये समझे, इसका रेंज क्या आएगा, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, ये इसका रेंज आएगा। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब सुनो, थर्ड पॉइंट जो है तुम्हारा उसके अंदर ये ग्राफ बनाना है प्लस ये सारा लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है बेसिकली उसको लिखना एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा, एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे मैक्सिमम मिनिमा, उसके लिए ये दो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आएंगे। अब इसके अंदर एक साइड की डेफिनेशन हमने हटा दी, ये चीज क्लियर हुई? थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ दोनों? सो फोर्थ पॉइंट को एंड ऑफ मैक्सिमम मिनिमा लिखना है, एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे मैक्सिमम मिनिमा एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। ओके